चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप फेक इनकाउंटर में देख लीजिए, जैसे लगता है रिहाई मंच का लोग लगता है एकदम मुसलमान, मुसलमान नहीं। आजमगढ़ में लक्ष्मण यादव, जयहिंद यादव, मुकेश राजभर, रामजी पासी, राकेश पासी कौन लोग हैं? दलित ओबीसी का बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुआ है। परवेश परवाज, असद हयाल बनाम योगी आदित्यनाथ केस किसका है? वो हम सब आंदोलनकारियों का केस है। योगी आदित्यनाथ खुलेआम कह देते हैं, ठोक दो, राम नाम सत्य कर दो, ऊपर पहुंचा दो। जो हमारे 23 नौजवान नारसी आंदोलन में मारे गए, उन्होंने कहा कि बदला लेंगे। पैसे से पत्रकार हूँ, लेकिन जब हम लोग जाते थे कहीं पर पत्रकारिता करने के लिए, तो लोग कहते थे कि हमारे पास वकील नहीं है। कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से ये बचाएंगे वो बचाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो केस है, जो बड़े केस है, तीन बड़े केस है, जो चाहे खूनी मजार का केस है, चाहे गोरखपुर दंगे का केस है, चाहे आजमगढ़ में बिलरिया गंज से लेकर जो आजमगढ़ में केस है, वो किसने किया है? वो हमने किया है। परवेश परवाज, असद हयाल बनाम योगी आदित्यनाथ केस किसका है? वो हम सब आंदोलनकारियों का केस है। और पांच परवेश परवाज आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में सपा हमको बचाएगी, बसपा बचाएगी, कांग्रेस बचाएगी। हम आपको एक वादा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से मोदी को कांग्रेस ने बचाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हम वादा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को आपके सामने हम जीते जी योगी आदित्यनाथ को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। उस आदमी ने हमारे हमारे 23 बेगुनाहों को उसने कत्लेआम करवाया है। हम एक एक बदले का, एक बदला लेने के नाम पर जो किया गया है, उसको हम एक एक हिसाब लेंगे और योगी आदित्यनाथ को जेल भिजवाएंगे। बस आप लोगों के साथ सहयोग चाहिए भैया। अरे आपके साथ अल्लाह ताला आप लोग का संघर्ष आपने किया है, वोट के हकदार आप हैं, मगर हमारी कौम की बदकिस्मती है कि आपको हकदार नहीं बना रही है। सीसीए चुनावी चर्चा में स्वागत है। हम अभी आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट पर हैं और निजामाबाद के स्वतंत्र उम्मीदवार राजीव यादव जी हमारे साथ हैं। राजीव यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत सीसीए में। राजीव जी, निजामाबाद की सीट, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आपका चुनाव चिन्ह है, क्यों आपको लगा कि निजामाबाद की सीट से आपको लड़ना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि स्वतंत्र कह के बहुत आपने अच्छा कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग निर्दल कहते हैं। अच्छा। और मैं बहुदलीय उम्मीदवार हूँ। यहाँ पर मुझे यूडीए अलायंस ने मुझे समर्थन दिया, इसमें टकरेव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उलमा काउंसिल है, आज़ाद समाज पार्टी है, और मुझे स्वराज अभियान और क्या कहते हैं जन अधिकार पार्टी, हमें CPIML और क्या कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी, तमाम दलों का हमें समर्थन है और उनके पास समर्थन से मैं लड़ रहा हूँ। ये इस चुनाव लड़ने का मकसद यहाँ पर ये है कि संजरपुर जो गांव है वो इसी कंस्टिट्यूएंसी का गांव है। जब हम संजरपुर गांव में जो बाटा हाउस के नाम पर दो मुस्लिम लड़कों को जो हत्या की गई, तो उस समय जब हम सवाल उठाते थे, लोग कहते थे कि आप मुसलमानों को बचाने का सवाल कर रहे हैं। हमने कहा कि मुसलमान को बचाने का सवाल तब भी नहीं था और आज भी नहीं है, हम लोग संविधान को बचा रहे थे। उसके बाद दलितों को कहा गया नक्सलाइट, उसके बाद पिछड़ों को अपराधी कहकर इनकाउंटर किया गया, और उसके बाद किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया। हमारे एजेंडे में ही था कि एक नैरेटिव जो संजरपुर जहाँ से उठा, जिसको आतंकवादियों का प्रजनन स्थल कहा गया, आतंकगढ़ कहा गया आजमगढ़ को, इस नैरेटिव को तोड़ते हुए आज जब किसानों को भी खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है, तो हम इस बार्डर नैरेटिव के साथ एक दलित मुस्लिम किसानों की बड़ी यूनिटी हम कायम करें और जिसके साथ इस नैरेटिव को हम चैलेंज करें। आप कह रहे हैं कि एक ये नैरेटिव बना, ये नैरेटिव एक्चुअली बिल्कुल सच है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी जिहादी, इस तरह के शब्द, कभी नक्सलवादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको भी टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया है अक्सर। ये आके जो एडीजी लैंड ऑर्डर बिजलाल हैं, वो अभी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, वो अधिकतर टुकड़े टुकड़े गैंग करके ही हम लोग को संबोधित करते हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग में अब आप ये बताइए कि दरअसल आपके क्या इस बार एजेंडा है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह की बातें तो हम कई बार सुन चुके हैं, उसको अब हम दरकिनार करते हैं। आप बताइए, आपका एजेंडा इस बार क्या है,
लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ा एजेंडा आजमगढ़ का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का है। एक दंगाई बलवाई और इस तरह से तमाम हत्या के आरोपों वाले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी राज में आज की डेट में कोई सुरक्षित नहीं, ना हाथरस की बेटी सुरक्षित है, न आजमगढ़ का कामरान जिसका इनकाउंटर किया गया वो सुरक्षित है। अब हत्या, दंगा, बलवा के बाद इनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, गुंडा एड, गैंगस्टर, UAPR, डॉक्टर कफील खान जैसा एक डॉक्टर भी जो है महफूज नहीं है। तो इस प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है। और मेरे तमाम दोस्त खालिद सैफी, सरजील इमाम, इनको जेल हो गई है। लोग कहते हैं कि होता ये दिल्ली के हैं, हमने कहा कि सरजील इमाम ने तो अलीगढ़ में भाषण दिया था। आइए, कामरान नाम के लड़के का जो इनकाउंटर हुआ तो आजमगढ़ का इनकाउंटर हुआ, कौन सा नेता इस पर बोलता है? आज सबसे बड़े स्थिति में आज उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं रह गया है। आज एक गुप्ता जी का पिछले दिनों गोरखपुर में उनकी हत्या हुई, एक यादव जी की जो है कानपुर में अपहरण करके हत्या हुई, क्या मना दिया गया? और कह रहे हैं हम अपराधियों को ठिकाने लगा दिए, ऊपर पहुंचा दिए, राम नाम सत्य कर दिए, जो कि सब गलत है। उत्तर प्रदेश में आज सबसे कानून व्यवस्था का पूरा माहौल उड़ चुका है और पूरी कहीं कहीं कानून व्यवस्था कहीं बची ही नहीं। राजीव यादव है, प्रत्याशी है, मौका दीजिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। इमाम उमर खालिद सभी ये नौजवान आज जेलों में कैद है। आप कह रहे हैं कि आज हम नई एजेंडा बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? किसी आप ही के तरह किसी बाप का बेटा रहा होगा, किसी का माँ बेटा रहा होगा, आज जेल में सजा काट रहा है, हमारा दोस्त था। लेकिन मामला इस बात का कि और किसके लिए लड़ा गया? सिर्फ क्या कहते हैं दिल्ली की थोड़ा लड़ा, नारसी आंदोलन पूरा सबके लिए था ना। नियामाबाद सीट से लड़ने का मेरा मात मकसद है कि संजरपुर गांव यहां पर है। हम पहले कहते थे तो कहते थे मुसलमानों को बचा रहे हैं, हमने कहा मुस्लिम कमेंट करते थे, हमने कहा संविधान को बचा रहे हैं, संविधान। और आज किसान को भी खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा है। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बची नहीं है, क्योंकि सरकार तो अभी योगी सरकार जो है वो तो यही प्रचार कर रही है कि हमने कानून व्यवस्था सुधारी है। आप लेकिन ये बताइए, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था का दूसरा पहलू देखा है कई सालों से यहाँ पर, जिसको आप फेक इनकाउंटर कह रहे हैं या जिस तरह से मतलब पुलिस दमन उसको बोलो, सरकारी दमन बोले, आप उसके खिलाफ काफ़ी सालों से यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि आप भी उसका शिकार रहे हैं, आप भी जेल गए हैं। इस सरकार में क्या आपको लगता है चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी स्टेट का, चाहे जो भी सरकार हो, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा ही बन गया है? देखिए, इंडियन स्टेट एक फासिस्ट स्टेट के रूप में तब्दील हो रहा है और सब उस उसकी तब्दील करने में उसको जी जान करके कोशिश लगे हैं। अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में, मायावती की गवर्नमेंट में, इसी योगी आदित्यनाथ के ऊपर हत्या, दंगा, बलवा का तमाम केसेस हम लोगों ने रजिस्टर करवाए, लेकिन मायावती गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ नहीं दिया, अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया। शायद अगर साथ दिया होता तो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश नहीं होता, आज योगी आदित्यनाथ जेल में होते। इस तरह से मोदी को कांग्रेस ने बचाया, उसी तरह से यूपी में इन लोगों को बचाया। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें आप मान के चलिए कि आज दलित और मुसलमानों को रासुका के तहत निरुद्ध किया जा रहा है। आप फेक इनकाउंटर में देख लीजिए, जैसे लगता है रिहाई मंच का लोग लगता है कि जो मुसलमान नहीं, आजमगढ़ में लक्ष्मण यादव, जयहिंद यादव, मुकेश राजभर, रामजी पासी, राकेश पासी, कौन लोग हैं? दलित तो OBC का बड़े पैमाने पर इनकाउंटर हुआ है। तो बेसिकली मेरा कहना कि मतलब ये साफ तौर पर है कि आज की डेट में कानून व्यवस्था का जो सवाल है, फांसीवादी जो स्टेट बन गया है, उसमें पिछली सरकारों ने भी उसको बढ़ावा दिया था, उसको ये बहुत तेज़ी से आगे लेके गए हैं। जिस तरह से जो आधार कार्ड का सवाल है, जाए NPR का सवाल है, उसको पिछली कांग्रेस ने सब बढ़ावा दिया, NRC को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, इसका खामियाजा आज हिंदुस्तान के मुसलमानों से लेकर दलित पिछड़ों को भुगतना पड़ रहा है। मैं दर्शकों को बता दूँ, जिस रिहाई मंच की बात कर रहे हैं, राजीव यादव जी जो हैं रिहाई मंच संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से उसके कार्यकर्ता हैं, जो कि इस तरह के केस, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे ठीक करिएगा, कि जहाँ पर गलत इल्ज़ाम में लोगों को जेल भेजा जाता है, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी बाकी इल्ज़ामों पर, उन लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते आए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी जी। तो रिहाई मंच से जो आपका अनुभव रहा है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, क्या आप क्यों आपको लगा कि अब आपको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि चुनावी राजनीति एक अलग दलदल है, क्यों आपको लगा? आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो काम करते आए हैं, लगातार करते हैं,
चुनाव में उतरने की क्या जरूरत लगी? देखिए, जब हम आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को छोड़ने का सवाल या फिर रिहैबिलिटेशन का सवाल इसको हमने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में दबाव डलवा करके उसको वहाँ पर लिखवाया, लेकिन उस सवाल पर राजनीतिक पार्टियाँ अपने वादे से मुकर गईं। आज की डेट में स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ खुलेआम कह देते हैं, ठोक दो, राम नाम सत्य कर दो, ऊपर पहुँचा दो। जो हमारे 23 नौजवान नारसी आंदोलन में मारे गए, उन्होंने कहा कि बदला लेंगे, हैं तो, और आज की डेट में इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए धर्मांतरण का एक कानून है जो संवैधानिक रूप से गलत है, और उसमें किसी को धर्म के पालने उसके मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम आज जेल में बंद हैं, सैकड़ों लड़के लव जिहाद के केसेस में तमाम जेलों में बंद हैं। तो लेकिन क्या किसी के मैनिफेस्टो में है कि धर्मांतरण का कानून वापस होगा? इसी तरह तीन कानून और हैं, यूपी कोका के तहत अगर कानून लागू हो गया तो मैं और आपसे बात ही नहीं कर सकते इस पूरे सवाल पर लेकर। इसी तरह से रिकवरी ला में जो है, जो आंदोलनकारियों की जो संपत्ति है उसकी रिकवरी करने की बात कहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों लताड़ लगाई, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एजेंडा नहीं है। इसी तरह UPSSF कि आप वारंट के आप किसी के घर में घुस जाएंगे, उठा ले जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं 24 घंटे तक। मतलब आप 24 घंटे के बाद, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पुलिस के हवाले करना है, तो UPSSF मतलब 24 घंटे आपके साथ कुछ भी कर सकती है? नहीं, 24 घंटे तो पहले था। UPSSF आपको उठा लेके चली जाएगी बिना वारंट के, आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं कुछ भी, बिना वारंट सर्च भी कर सकते हैं। ये चार इतने बड़े कानून हैं लेकिन किसी के एजेंडे में नहीं है। और एजेंडा क्या है? सबका एजेंडा है कि कोई कहता है कि बाबरी मस्जिद जहाँ पर बन रही है उनके किसी के पिता का एजेंडा है, कोई कहता है कि विष्णु मंदिर, कोई कहता है जय माता दी। ये हमारा एजेंडा नहीं है। आज सबसे बड़े पैमाने पर दलित OBC मुस्लिम का एजेंडा संविधान को बचाने का एजेंडा है। आज रोहित वेमुला की जो शहादत हुई, नजीब का गायब हो जाना, आज गाँव लोग जानते हैं। आप पूछिए जा करके, आज सबका सवाल है। ये एक बड़ा सवाल ज़रूर उठेगा कि लोग कह रहे हैं कि ये जो 5 साल योगी की सरकार रही है उसके खिलाफ जो ताकतें लड़ रही हैं वो ये बोलेंगे कि भाई इस बार चुनाव में हम योगी के खिलाफ सबसे मजबूत प्रत्याशी को देख रहे हैं, हम उसके बिना जाएंगे। तो लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि इस बार चुनाव लड़ना क्या आपका सही था? देखिए, योगी के खिलाफ कौन लड़ा है? योगी के खिलाफ जो मुकदमे किए हैं, 2007 में मुकदमा हुआ परवेज परवाज बनाम असद हयात योगी आदित्यनाथ, वो मुकदमा में आज परवेज परवाज आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। योगी के खिलाफ दूसरा मुकदमा खूनी मजार का है, तीसरा मुकदमा आजमगढ़ में बिलरियागंज का है। ये मुकदमे से लेकर इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो हमने लड़ी है, और अगर सरकारों ने साथ दिया होता तो आज योगी आदित्यनाथ को हम जेल में भेज देते। तो योगी के खिलाफ कहाँ लड़ी? ये लोग तो मुजफ्फरनगर, आप गारंटी दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए मुजफ्फरनगर जैसा दंगा ना होगा, कासगंज नहीं होगा जहाँ कलवा भूरा की को जिंदा जला दिया गया, कोई रुदौली में, फैजाबाद में, भैलसर में दंगा नहीं होगा। तो इस बात की गारंटी नहीं है। मैं वही बात कर रहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से बचा लेंगे या हम इससे बचा लेंगे, उनके एजेंडे में नहीं है। आप सिंपल सोच लीजिए कि जो एक लड़की जो है, मुस्कान जो है, वो दंगाइयों के खिलाफ जो एक नारा लगाती है और अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो कहते हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेरा कहना साफ तौर पर है कि आज कोई भी बचा सकता है तो आंदोलनकारी बचा सकता है इस देश को। चाहे 2 अप्रैल 2018 को जो था तो आंदोलनकारियों का था, भारत बंद किया हमने, इसके बाद CNRC में हमने आंदोलनकारियों ने किया किसान आंदोलन जिसमें 715 किसानों की शहादत हुई। अजय मिश्रा टेनी का जो है लड़का जो है 4 किसानों को रौद दिया। अगर चाहते तो क्या विपक्ष जो है उस पर लगातार 1 साल किसान आंदोलन धरना दे सकता है? तो क्या ये लोग धरना नहीं दे सकते थे? एक दिन में धरना इन्होंने उठा लिया। तो मतलब ये है कि आज कोई लड़ सकता है फांसीवाद के खिलाफ तो आंदोलनकारी लड़ सकता है। अक्सर बोला जाता है कि राजनीति हमारी बहुत गंदी हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है। अक्सर ये बोला जाता है कि अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे राजीव यादव क्या उसी कड़ी का एक छोटा सा कदम आगे है? बूंद बूंद से ही सागर बनता है, और क्या ये बूंद भी उस बड़े सागर का हिस्सा बनेगी? हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि राजीव यादव जी आप जीते या ना जीते, लेकिन इसी तरह से आंदोलनकारी बने रहें, इसी तरीके से लोगों के बीच में आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।